Welcome students, welcome to Maxwell Study Hub. Introduction to Microbiology का chapter हम सीख रहे हैं. बहुत सारे products देख चुके हैं, cheese, butter, yogurt, probiotics. Vinegar production को last video में खत्म किया था. Actually हमारा last video vinegar production में खत्म हुआ था. Vinegar production में हमने देखा था कि 4% एसिटिक एसिड है. मे बी शायद मैंने 5% गलती से बोल दिया था, बट इट इज एक्चुअली 4%. इट इज एंड इट इज प्रिपेयर बाय अलाइविंग अ वाइन. मतलब जो पहला स्टेप था वाइन प्रोडक्शन का, इट विल बी कॉमन इन विनेगर प्रोडक्शन ऑल्सो, बट आफ्टर दैट अल्कोहल इज अलाउड फॉर द माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. तो पहला स्टेप क्या हो जाता था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो एनारोबिक कंडीशन में होता था, और उसके बाद उसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मीन माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होके हमें क्या मिलता था, विनेगर. नाउ ये सारे स्टेप्स हमने देखे, उसमें अल्कोहल का फर्मेंटेशन हो रहा था और वो जो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होगा, सी फॉर एग्जांपल अभी आपको अल्कोहल बनाना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कराना है, तो कोई शुगर एक सोर्स तो देना होगा. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन कौन से अलग अलग के रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल बोल सकते हो, वो यूज कर रहे हो. यहाँ पे आप फ्रूट जूस पे जा सकते हो, मैपल सिरप पे जा सकते हो, शुगर मोलासेस पे जा सकते हो. लास्ट टाइम लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने वाइन प्रोडक्शन की पूरी एक उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन समझी थी. सो दीज आर दी डिफरेंट रॉ मटेरियल और आई कैन से दिस शुगर जो था. अब इसको अलग अलग हो सकते हैं, अब इनको क्या कराना है, एक ही स्टेप करवाना है, इनको सेक्रोमाइसिस सेरेमेसिस से क्या करवा देना है, इससे एनारोबिक रेस्पिरेशन करा देना, ताकि क्या मिल जाए आपको, अल्कोहल. अल्कोहल जैसे ही मिल जाएगा तो ये तो अभी वाइन बनी, अब इसको अलाउड करना है कि उसकी सार्डनेस और बढ़े. तो हमको कहाँ पे जाना है, हमको एसिटिक एसिड लेके आना है बेसिकली. तो एसिडिक एसिड इथेनॉल से अल्कोहल से प्रोड्यूस कराने के लिए फिर से माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होगा यूजिंग टू बैक्टीरिया लाइक एसिट्रोबैक्टर एंड ग्लूकानोबैक्टर. इन दोनों को यूज करके क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, उसको पूरी तरह से माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होगा, एसिडिक एसिड मिलेंगे और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे. बाय प्रोडक्ट्स में हमने देखा था कि उन बाय प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना पड़ेगा रेयरफैक्शन से. रेयरफैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज अंडरलाइन करो. रेयरफैक्शन मतलब क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्वेंट्स, ऑल दीज आर लिक्विड ना, इनकी डेंसिटी के हिसाब से इनको सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू दैट डेंसिटी. और उसके बाद ब्लीचिंग करते हैं फ्रॉम यूजिंग पोटेशियम पेरोसाइनाइड. सी फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव यूज सम अदर लाइक शुगर और वाइन जो हम बना रहे थे, उसका एक कलर आ जाता है जब एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है. अब क्या करना है आपको, विनेगर जो आपका वो कलरलेस आता है, आपको अपने बॉटल में आपने देखा होगा. तो कलरलेस करने की जो प्रक्रिया है वो कहां से होती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से. पाश्चराइज उसको भी करते हैं तो ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए. नाउ फाइनली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SO2 बॉटल में विनेगर को भरने से पहले SO2 क्यों डालते हैं, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस पूरे स्टोरेज पीरियड तक बरकरार रहे. नाउ एक चीज जो उसमें मिसिंग, जो लास्ट लेक्चर हमने मिस की थी, दैट इज सोया सॉस. यू ऑल सभी को पसंद होगी चाइनीज फूड, सभी ने वो जो कॉर्नर है चाइनीज कॉर्नर उसमें जाके पक्का खाए होंगे. सो दीज आर द थिंग्स, बट इसमें क्या है, और आपको उसमें भी इसका कलर बहुत अट्रैक्ट किया होगा, एंड डेफिनेटली वो जो सोया सॉस जो वो भैया जी जो देते हैं आपको चाइनीज में, वो डालते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है. वो क्यों, वो कैसे बना, वो भी तो समझो. तो सोया सॉस एंड यस अजीनोमोटो, अभी आप लेट मी एक्सप्लेन यू, गिव यू सम गुड एग्जांपल. मेरे हिसाब, इवन आई ऑल्सो ट्राइंग टू मेक दिस चाइनीज पेल इन माई होम. तो मैं गई और मैंने वो कलर के लिए वो जो दुकान पे जो किराना स्टोर पे जो रहते, मैंने उनको पूछा कि ये आप मुझे दे दीजिए. सो ही व्हाट ही सेड, अजीनोमोटो चाहिए क्या आपको. एक्चुअली आपको भी, सबको ऐसा लगता है, इवन मुझे भी ऐसा लगा था कि अजीनोमोटो कोई इंग्रेडिएंट है, बट नो, व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग योर पीपीटी ओनली, यस इवन आई ऑल्सो डोंट नो, मुझे पता चला कि अजीनोमोटो इज अ ब्रांड, एक जापानीज कंपनी जिसका नाम है ये. एक्चुअली दिस जो केमिकल यूज हो रहा है उसमें,
इंग्रेडिएंट है, उस इंग्रेडिएंट का नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो नेक्स्ट टाइम, बिकॉज यू ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड साइंस पढ़ चुके हो ना अभी, तो अगर आपको अजीनोमोटो को ही बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, नो इसका केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कमिंग टू सोया सॉस, सबको पसंद है और वो जो एड भी आपने देखी होगी, सो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, दैट आर यूज्ड इन प्रेजेंटली पॉपुलर चाइनीज फूड आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोवेव फर्मेंटेशन। सरप्राइज हुए, इसमें भी माइक्रोब्स हैं। नाउ कमिंग टू दैट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, सोया सॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्लावर ऑफ व्हीट और राइस के, उसको फर्मेंट करवाते हैं एक फंगस से, माइक्रोब्स में भी एक फंगस है जो यूज करते हैं एस्परजिलस ऑरेसी, ये ऐसा दिखता है, ये है अजीनोमोटो आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट और ये है सोया सॉस, एंड ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको जो आप खाते हो उसका जो ऑरेंज कलर है, जो आपका एनहेंस हो रहा है फ्लेयर और आपको जो एकदम मजा सा आ जा रहा है आफ्टर क्लास के बाद, पक्का सबके सब जाते होगे उधर कॉर्नर पे खाने के लिए, तो ये जो चटकारे लेके खाते हो उसका जो टेस्ट है, उसका जो एनहेंस हो रहा है एक्चुअली अजीनोमोटो मोनोसोडियम एंड सोया सॉस, जो आपको बहुत पसंद आता है, एंड यस ऑल बिकॉज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नाउ कमिंग टू बीवरेजेस, अभी बहुत लोगों को कॉफी, कोल्ड कॉफी, पता नहीं क्या क्या अलग अलग वेराइटी में पसंद होता है, अब इसमें भी माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व है। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। कैफिया अरेबिका, सी बच्चों ये जो बॉटेनिकल नेम है आपको अपने एग्जाम में याद करने हैं। सी माइक्रोबायोलॉजी, जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट सिंपल लॉजिक यू हैव टू पुट एंड विद अ वेरी, एक फ्लो चार्ट बनाना है, दो तीन चीजें याद करनी है, एक सिंपल जैसे मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या दिया था, एक टेबल बनाई थी व्हाइट कलर का जो था किंगडम एनिमिलिया, और उसके बाद आपने सारे पॉलीफेरा और सारे एग्जाम्पल्स याद किए थे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बिकॉज यू हैव टू पुट योर लॉजिक्स और उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना लो कि कैसे कौन कौन सी चीज प्रोड्यूस हुई। प्रोडक्ट्स आपको याद होनी चाहिए और प्रोडक्ट्स को याद करने के लिए तीन चीजें याद रख लो, रॉ मटेरियल गेहूं के आटे का बना है, चावल के आटे का बना है, ओके। फिर इनोक्युलेंट कौन सा यूज किया, ईस्ट यूज किया, फंजा यूज किया, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, वो पता होना चाहिए, और एट द एंड कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, यस एप्लीकेशन का। ये चार चीजें जब आप सीक्वेंस में लिख दोगे यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो पहला क्या करना है, रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया, इनोक्युलेंट क्या यूज किया, प्रोडक्ट क्या मिला और उस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है। सो लेट्स कम टू दिस स्लाइड। कैफिया अरेबिका इट्स अ फ्रूट, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस ये एक माइक्रोब है जो यूज होगा इसके फर्मेंटेशन पे, और ये क्या करेगा, इट विल सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द फ्रूट लाइक दिस, ये रहा। जब इसका फर्मेंटेशन करवाओगे इस बैक्टीरिया से तो इसके सीड अलग हो जाते हैं और हमको क्या मिलता है, कॉफी, सबको पसंद आती है। नाउ थियोब्रोमा कोको कैंडिडा और ये सारे जो सैक्रोमाइसिस, इससे क्या करेंगे, इसका फर्मेंटेशन कराएंगे, इट विल अगेन सेपरेट कर देगा सीड को फ्रॉम फ्रूट से और आगे चल के आपको क्या मिलता है, एक कोका। कोका को यहाँ पर आप यूज करते हैं चॉकलेट में बनाने में। कमिंग टू द थर्ड ग्रेप्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नाइन्थ क्लास का चैप्टर याद कर लो, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, जिसमें वाइन प्रोडक्शन देखा था, जहां पे हम लोग नासिक का विजिट करके आए थे, तो दिस इज थ्योरेटिकली गए थे, प्रैक्टिकली नहीं गए थे। ग्रेप्स सैक्रोमाइसिस सेरुसी, फर्मेंटेशन ऑफ जूस क्यों होगा, क्योंकि उसमें शुगर है, कौन सा शुगर था, शुगर मॉलिक्यूल था, ओके। वो जो शुगर था, यू हैव टू रिमेम्बर कि कौन सी शुगर थी, वो शुगर मॉलिक्यूल का क्या हो गया, डिग्रेडेशन करवा दिया, उसको फर्मेंटेशन करवा दिया एनारोबिक से, ईस्ट है ना, अल्कोहल बन गया, और यस
वही अल्कोहल को जब आप भर के बॉटल में रखते हो तो CO2 को अलाउ करते, क्योंकि क्या बाय प्रोडक्ट मिला था, अल्कोहल प्लस CO2, वो CO2 की बॉटल में बंद कर दिया जाता है। अब क्या होता है उस बॉटल बंद में भी, क्या इट इज अलाउड फॉर फर्मेंटेशन। तो जैसे ही आप उस बॉटल को खोलते हो तो किन्हीं बबल्स निकलते हैं विच इज नथिंग बट CO2, एंड दैट इज द मेन स्पेशल फीचर ऑफ अ शैंपेन। नाउ कमिंग टू द लास्ट एग्जांपल, दैट इज एप्पल। एप्पल में भी ईस्ट का करवाएंगे फर्मेंटेशन, एंड फर्मेंटेशन ऑफ जूस होगा उसमें, क्योंकि उसमें भी शुगर कंटेंट है, एंड देन हमको मिलता है सिगार, उसको आगे चल गया। सो दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये मत भूलना, ये हो गया रॉ मटेरियल बच्चों, ये हो गया आपका इनोकुलेंट, ये हो गया माइक्रोब्स कौन से यूज किए, रोल क्या है वो पता चल गया, प्रोडक्ट क्या है वो पता चल गया। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ इन योर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन समथिंग अबाउट माइक्रोबियल एंजाइम। बिफोर गोइंग टू एंजाइम, माइक्रोबियल एंजाइम, लेट्स अंडरस्टैंड एंजाइम क्या है और माइक्रोब्स विद स्पेसिफिक टू माइक्रोब्स क्या है। सी आपने एक बात देखी होगी कि लास्ट ईयर जब हमने एंटीबायोटिक्स आपने 9th क्लास में पढ़ा, तो इसमें बोलते थे बार बार एंटीबायोटिक्स को कि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मत खाना एंटीबायोटिक्स। क्यों ऐसे बोलते थे, क्यों, क्या हो जाता है जब आप बिना सोचे समझे विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप जब कोई एंटीबायोटिक्स ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त को असर कर गए और आपने भी ले ली, क्या हो जाते हैं आपके एलिमेंट्री कनाल में बैक्टीरिया है, नेचुरल एक नॉर्मल फ्लोरा है आपकी बॉडी में, अभी एंटीबायोटिक आपने खा लिए, वो बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर दीज माइक्रोब्स आर वेरी स्मार्ट, वो क्या करते हैं अपने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, तो एंटीबायोटिक उनको पहचान ही नहीं पाता। और ये जो चेंज है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो अगर जितनी ज्यादा आप एंटीबायोटिक्स फटाफट, इसीलिए तो डॉक्टर आपको बोलता है ना कि ये एंटीबायोटिक खाओ, बिकॉज क्या होता है समटाइम्स मेनी पीपल आर रेजिस्टेंट टू सम पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, तो वो एंटीबायोटिक उनको खिला उनको असर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो यूज हुआ, जो बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक यूज हुई है, उसको अपना स्ट्रक्चर बदल लिया है, तो एंटीबायोटिक उसको पहचान में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सर्कल हाउ बैक्टीरिया कैन अडैप्ट टू एनवायरमेंटल चेंज। डोंट गो इन एंटीबायोटिक्स, हम बिल्कुल एंटीबायोटिक्स में घुसो मत अभी फिलहाल ये देखो हाउ बैक्टीरिया कैन अडैप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। इन बैक्टीरिया की लाइफ जीने पहले बैक्टीरिया के तरीके से उसकी जगह पर रख के सोचो, मुझे आई एम बैक्टीरिया और मुझे मारने के लिए कोई दवा दे दी गई, तो ये मेरे लिए चेंज इन एनवायरमेंट है, मैं आराम से नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन में आराम से ग्रो कर रही थी और सडनली देयर इज अ चेंज कि मुझे मारने के लिए कुछ दवाएं भेजी गई, तो मैं क्या करूंगी, मैं खुद को चेंज करूंगी ना, तो मैं क्या करूंगी खुद को चेंज करने के लिए, मैं या तो कोई टॉक्सिन रिलीज कर सकती हूँ ताकि सामने वाले पे असर ना हो, मैं यही करती हूँ ना, अगर मुझे कोई जगह में किसी को अटैक भी करना है, इफ आई एम बैक्टीरिया मुझे अटैक भी करना है तो मैं टॉक्सिन रिलीज कर सकती हूँ, तो पहला ऑप्शन मेरे पास है, तो देयर इज समथिंग चेंज, उस चेंज को अडैप्ट करने के लिए, उस चेंज से डील करने के लिए बैक्टीरिया के पास क्या क्या वेपन्स है वो देखना है। टॉक्सिन्स रिलीज कर दूंगी असर ही खत्म, अगर वो भी काम नहीं आया, एंजाइम्स होते हैं मेरे पास वो भी काम नहीं आया, तो मैं एंटीबायोटिक्स यही एक बैक्टीरिया का जो हम जब भी एंटीबायोटिक्स सीखेंगे उसके ऊपर आएंगे, एंटीबायोटिक्स रिलीज कर दूंगी एंड एट द एंड म्यूटेशन कर दूंगी, मैं खुद को ही चेंज कर दूंगी कि जा अभी मुझे पहचान नहीं पाए। तो दीज आर द फोर थिंग्स विच एक्चुअली इज बेस फॉर योर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट, उसके एप्लीकेशन पे, बिकॉज वी नो कि माइक्रोब्स बैक्टीरिया एनवायरमेंटल चेंज इन एनवायरमेंट को कैसे डील करते हैं, वो कैसे डील करते हैं बच्चों, ये चार चीजें वो करते हैं। और मुझे पता चल चुका है एज ए इंडस्ट्रियल पर्सन, एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इफ आई नो कि ये एंजाइम है, ये एंटीबायोटिक्स है और हाँ वो मेरे फायदे का है, आई विल डेफिनेटली यूज, एंड मैं वही यूज कर रही हूँ, मुझे पता है लैक्टोबैसिलाई के पास वो शक्ति है, वो कैपेबिलिटी है कि वो दूध के जो मिल्क प्रोटीन कंटेंट है उसको कोगुलेट करेगा और मुझे योगर्ट देगा, ये मुझे पता है ना,
दैट्स व्हाई आई एम एडिंग 1 स्पून ऑफ लैक्टोबैसिलस का कल्चर इनोक्युलेंट। तो ये चीज माइक्रोबायोलॉजी में बताई गई कि ये एप्लीकेशन है माइक्रोब्स का, और उसको यूज करके हमने अपने लिए यूज किया है। सो दैट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, और ये आपका बैक्टीरिया। आपके दो एप्लीकेशन आपको देखने हैं आज, एक एंजाइम का, एक एंटीबायोटिक्स का। ये थोड़ा हाई फंडो है, जब आप 11-12 में जाओगे तो यूज समझोगे उसको, तभी आएगा। बट अभी आपके बुक में ये दो चीजें हैं, एंटीबायोटिक्स और एंजाइम। तो एंजाइम अभी समझ लो कि माइक्रोब्स भी एंजाइम देते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर नोन एज बायोलॉजिकल एंजाइम, और आई कैन से बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। इन योर केमिस्ट्री लेक्चर्स यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट समथिंग एंजाइम। एंजाइम क्या रहता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, यही है ना, कैटालिस्ट स्पीड अप कर देना। केमिकल जो होते हैं, केमिकल कैटालिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं केमिकल एंजाइम्स, बायोलॉजिकल एंजाइम्स अलग होते हैं। और बायोलॉजिकल एंजाइम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो, तो मैंने क्या अभी मैं आपको, चलो ये पूरी जो स्टोरी इतनी बड़ी सुनाई इसको एकदम समराइज करते हैं। माइक्रोब्स, उसने क्या किया, एंजाइम रिलीज किया। आई वाज सिटिंग, आई वाज डूइंग माय रिसर्च, आई केम टू नो यार दिस एंजाइम इज यूजफुल फॉर मी, सो आई हैव टेकन इट। ठीक है, आगे बढ़े। सो माइक्रोबियल एंजाइम पे बात करते हैं। नाउअडेज इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटालिस्ट, मतलब आप जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। दीज एंजाइम्स क्या है इनके, दीज एंजाइम्स आर वेरी स्पेशल, दे आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर। इनकी ब्रॉड रेंज है पीएच, मतलब ये लोग बहुत स्टेबल है। नाउ प्रेशर ड्यू टू विच एनर्जी इज सेव, एंड द इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट टू बी नॉट नेसेसरी। सी कुछ केमिकल कैटालिस्ट, जो केमिकल कैटालिस्ट है, अगर उनको यूज करना है कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है और ये मुझे रिएक्शन स्पीड अप करवानी है, और आई एम एडिंग दैट केमिकल, तो क्या हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट भी वो क्या होते हैं कभी कभार, वो जो जिस इक्विपमेंट में हो रहा है, वो जिस बर्तन में या जिस जगह पे वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उससे भी वो रिएक्ट करने लगते हैं। तो क्या होता है, इरोजन प्रूफ चाहिए आपको, एक अच्छा एकदम हाई क्वालिटी का ये पूरा प्रोडक्ट कंटेनर चाहिए, दैट इज द राइट वर्ड, कंटेनर चाहिए। तो अगेन कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, फिर कई केमिकल कैटालिस्ट एक पीएच पे स्टेबल रहते हैं, अगर उनको थोड़ा पीएच इधर उधर किया तो वो लोग कुछ अलग चेंज हो जाएगा। बट मैंने क्या कहा, बायोलॉजिकल एंजाइम जो माइक्रोबियल एंजाइम है, इनकी बड़ी रेंज है, ब्रॉड रेंज है, तो जल्दी इफेक्ट नहीं होते। सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिकली ये बहुत ही फायदेमंद है। एंजाइम कैरी और स्पेसिफिक प्रोसेस, सी एज कंपेयर टू केमिकल कैटालिस्ट, दीज आर वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मैं एक बात बताती हूँ, इसमें सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, लॉकिंग की। आपके घर का ताला आपकी ही चाबी से खुलेगा, किसी और की चाबी से नहीं। तो समझ लो ये जो एंजाइम है वो एकदम लॉकिंग की जैसे है, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी एक ही एंजाइम, मतलब बहुत स्पेसिफिक, तो मतलब सही प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिले, ज्यादा बाय प्रोडक्ट नहीं मिले, डोंट यू थिंक प्यूरिफिकेशन मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बनाना था प्रोडक्ट्स ए, ठीक है, प्रोडक्ट ए बनाना था और रॉ मटेरियल था एक्स, तो एक्स से मुझे प्रोडक्ट बनाना था ए, बट मुझे उसके साथ बी और सी भी मिल गए। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ए बी सी के मिक्सचर से ए को बाहर खींच के लाना है। ये जो एक को बाहर खींच के लाने की जो प्रोसेस, उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। तो जहां पे बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन होगी वहां पे ए बी सी नहीं बनेंगे, सिर्फ ए बनेगा। तो क्या होगा, प्यूरिफिकेशन में भी का पैसा बच जाएगा। यस, दैट्स द मेन पॉइंट। एंड अगेन दीज आर बायोडिग्रेडेबल। सो नाउ दीज आर द एडवांटेज ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स, ब्रॉड रेंज ऑफ पीएच, टेम्परेचर एंड सब्सट्रेट। सब्सट्रेट मतलब रॉ मटेरियल, मतलब ऐसा नहीं कि एक रॉ मटेरियल के लिए ये भी रॉ, बहुत सारे रॉ मटेरियल के लिए एक एंजाइम भी आपके पास था तो यू कैन गो अहेड। नाउ स्पेसिफिसिटी लॉकिंग की, फिर टाइम एंड क्वांटिटी, फटाफट होने वाली रिएक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, जाहिर सी बात है कंटेनर का खर्चा भी कम हो जाएगा क्योंकि इरोजन प्रूफ इतना हाई फंडो इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। फिर बाय प्रोडक्ट में पैसे बच गए तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, एंड एट द एंड दे आर बायोडिग्रेडेबल। नाउ लेट्स जस्ट
quickly read what is given in this slide. In case of microwave enzymatic reaction, elimination and decomposition of waste material is avoided, and definitely the most important aspect, waste. ये जो हम सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट. प्रोडक्ट्स तो हमें मिल जाते हैं जो हमें चाहिए, बट उसके साथ वेस्ट को जो है ठिकाने लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठिकाने इन द सेंस ऐसे ही नहीं कहीं पे फेंक दिया, इट शुड बी, अदरवाइज पॉल्यूशन होगा, लोगों को बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती है. वेन यू यूज माइक्रोबियल एंजाइम, वेस्ट मैनेजमेंट भी आसान हो जाता है और वेस्ट प्रोड्यूस बहुत कम होता है. Hence, such enzymes are eco-friendly, biodegradable है. Some examples of microbial enzymes are oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase, ligase. These are जो ES का pronunciation आप देख रहे हो, ES का, ये हर enzyme पे specific है. Majority enzymes इसी AES से end होते हैं, कुछ नहीं होंगे. For example, trypsin. Now, process of dirt removal occurs at low temperature too due to mixing of enzyme with detergent. आप कोई dirt है कपड़ों पे या ये इंडस्ट्री में, जब या कहीं पे प्रोडक्शन में जब सफाई होने लगती है तो डिटर्जेंट के साथ एंजाइम को मिक्स कर दिया जाता है. तो डर्ट, क्योंकि लो टेम्परेचर में भी आप आराम से इसको साफ कर सकते हो. कमिंग टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिरप कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्न फ्लावर बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ऑब्टेन बाय बेसिलाई एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. दिस इज द लाइन विच इज गिवेन इन माइक्रोवेल एंजाइम, बट आई डोंट नो वॉट वॉज दिस, बट यू जस्ट नीड टू कि शुगर मॉलिक्यूल को अगर कॉर्नफ्लावर को और इसको करोगे सैक्रोमाइसिस से फर्मेंटेशन तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा. नाउ माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक चीज. चीज में कैसे यूज करते हो, लैक्टोबैसिलस. प्लांट एक्सट्रैक्ट, प्लांट एक्सट्रैक्ट में भी यूज कर सकते हैं. फिर टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, ईटीसी. नाउ लेट्स मूव अहेड. दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद करना है, बिल्कुल याद करना है, ना तो बोलनी ही नहीं है. ऑर्गेनिक सोर्सेस, सोर्स माइक्रोब्स, मैंने क्या बोला, रॉ मटेरियल, इनोकुलेंट, कौन सा प्रोडक्ट यूज, एप्लीकेशन क्या है. शुगर एंड बीट मोलासेस, अमोनिया सॉल्ट को किससे फर्मेंटेड कराया, दीज माइक्रोब्स. ब्रेवी बैक्टीरिया क्या मिला, एंड ग्लूटामिक एसिड. आपको पता है आप जब भी कोई फूड प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उसको कोड करते हैं ई से, ऐसा कुछ देखो. जस्ट डोंट गो एंड टेक ब्लाइंडली एनीथिंग. एक्सपायरी डेट के साथ साथ अब बिकॉज यू आर इन 10th एंड आपके नॉलेज अब बढ़ चुका है थोड़ा, तो उसको थोड़ा सा अभी उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को देखो, उसके उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव. तो दे ऑलवेज कोड मैन्युफैक्चरिंग ऑलवेज कोड्स दोस प्रिजर्वेटिव विद नंबर्स. वो नंबर्स ना ये इन्हीं सब चीजों के नंबर्स होते हैं. इफ यू विल गो ऑन गूगल एंड टाइप दैट नंबर यू विल गेट द प्रिजर्वेटिव का नेम ऑल्सो. तो एज ग्लूटामिक एसिड मिलेगा आपको. आप इसको गूगल आउट करोगे ना, मतलब जब जो लेबल क्लेम देखोगे जो पीछे जैसे वो प्रोडक्ट के पीछे रहता है प्रिजर्वेटिव एडेड, तो उसमें जाके वो नंबर आप टाइप करो गूगल पे जाके, यू विल गेट दैट आई कैन से प्रिजर्वेटिव का नाम. फॉर एग्जांपल E620 ऐसा कुछ आएगा. नाउ प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, व्हाट इज दिस, अजिनोमोटो, व्हाट इज दिस, चाइनीज बे, इतना तो याद रखो. नाउ शुगर मोलासेस, सॉल्ट, एस्परजिलस, नाइट्रो बनाते हो, सिट्रिक एसिड, अगेन इट्स अ प्रिजर्वेटिव. हाँ, ड्रिंक्स, टॉफीज, चॉकलेट प्रोडक्शन में उसको डालते प्रोडक्ट, ये है आपका प्रिजर्वेटिव है. नाउ ग्लूकोज, कॉर्न स्ट्रिप, लिक्योर, लिक्योर मतलब अल्कोहल है. तो एस्परजिलस, नाइगर, ग्लूकोनिक एसिड, दिस प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज एज ए सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन. कई लोगों को बहुत कमी रहेगी कैल्शियम और आयरन की, तो उसमें यूज करते हैं. मोलेशियस कॉर्न, स्ट्रिक्टली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स. ये सब सम आर प्रोडक्ट्स विच यू ईट
खाने में कुछ फूड सप्लीमेंट्री यूज करते हो, कई दवा के लिए यूज होते हो, तो सब में माइक्रोब्स का रोल है। फिर लास्ट एग्जांपल है एस्परजिलस का ही, इकोनिक एसिड पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इसको यूज करते हैं। एंड सबका सोर्स है, सबसे ज्यादा हीरो है इसका एस्परजिलस माइगर, दिस इज अ फंगस। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी दीज आर दी सब्सटेंस विच आर द रिजल्ट्स ऑफ माइक्रोबियल प्रोसेसिंग। ये जितने लिखे हैं ये सब के सब यूज बने हुए हैं माइक्रोबियल प्रोसेसिंग को यूज करके। जैसे केमिकल प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल को, दवा बना रहे हैं जैसे कोई, इसमें कैसे माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं उस प्रोसेसिंग में, ये सब आपको याद करना है बच्चों। जैसे सिट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड टू इम्पार्ट दी एसिडिटी। वंस यू जैसे ही एसिड देखोगे एसिडिटी के लिए, समझ जाना एसिड का यूज हो रहा है। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब किस जब ये यूज करते तो प्रोटीन बाउंड हो जाता है। नाइसिन एंड नेटामाइसिन मतलब माइक्रोबियल की ग्रोथ को रोकते हैं, प्रिजर्वेटिव भी है। एस्कॉर्बिक एसिड एंड ये दिस आर दी एंटी ऑक्सीडेंट एंड विटामिन, और ये सारे फूड प्रोडक्ट्स अभी बहुत फेमस है। एस्कॉर्बिक एसिड और ये सब बहुत फेमस है जिसमें रहते हैं एंटी ऑक्सीडेंट गुण। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ज़ैंथिनिन, दे आर द एडिबल कलर्स। और जैसे अभी आप खाने में कुछ कलर्स भी डालते हो ना, तो ये रहते हैं, इनको आप खा सकते हो, इन ज्यादा नहीं खा सकते बट खा सकते हो ताकि आपको में कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। पॉलीसेक्राइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, इमल्सिफायर, इमल्सिफायर मतलब गाढ़ा कर देना, वेनिलिन, इथाइल ब्यूटेरेट, पेपरमिंट फ्लेवर, एसेंस ऑफ वेरियस फ्लावर। खाने में देखो कभी कभार थोड़ा सा ऐसे कोई राइस बनाई, बिरयानी बनाई, सब उसमें थोड़ा सा महक आती है, स्मेल आती है एक अच्छी, तो कभी कभार जो एसेंस ऐड करते हैं वो भी माइक्रोबियल प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट है। एंड द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, दैट इज एस्पार्टम, शुगर फ्री, थोड़ा सा उसमें शुगर रहेगा, ये वो जो भी है, वो जो सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं, मतलब आपको लो कैलोरी मिलेगी, उसमें क्या यूज होता है ये केमिकल, ये सब्सटेंसेस विच आर अगेन द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल प्रोसेसिंग। यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि ये पूरे लेक्चर में मैंने सिर्फ खाने की बात की है, सो थोड़ा सा और खाने की बात करते हैं और इस पर आते हैं। ज़ैंथिन गम पे, ज़ैंथिन गम आपकी बुक में दिया है, क्यों मैं ये इसका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट यूज है इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट स्लाइड बनाई है। ज़ैंथिन गम, पहले वो गम को छोड़ दो, इसमें थिकनेस आपकी आइसक्रीम में कोई सा थिकनेस क्यों आती है, ऐसे वो अंकल जब आपको देते हैं तो एकदम रोल करके आपको देते हैं, यू ऑल्सो एंजॉय केक पेस्ट्री में, बिस्किट्स में, एकदम जो पफी कैसा नेचर वो टेक्सचर आता है बहुत अच्छा लगता है, वो क्यों आता होगा, वो आता है ज़ैंथिन गम से। ज़ैंथिन गम में क्या होता है, इट इज ऑब्टेन बाय अ फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासेस विद द हेल्प ऑफ, क्यों इसको नाम दिया गया ज़ैंथिन गम, बिकॉज इट इज ज़ैंथोमोनास स्पीशीज, ये स्पीशीज के कारण इसको जो गम मिला वो ऐसा दिखता है बच्चों। तो जब बनाते हैं ना ये सारा प्रोडक्ट तो उसमें ये ऐड करते हैं, थिकनेस आती है, एक ऐसा आता है जो यू ऑल्सो जस्ट लव, यू गेट अट्रैक्टेड एंड फिर क्या आता है मुंह में पानी आता है और आप खाने के लिए एकदम उत्सुक हो जाते हो। इट इज वेरियसली यूजफुल ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी एंड हॉट एंड कोल्ड वाटर, तो कॉफी में डाल रहे हो जो आइसक्रीम में डाल रहे हो कोल्ड, तो सोचो इस गम की क्या स्टेबिलिटी है, हाई डेंसिटी। इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड। वीडिसाइड्स मतलब क्या होते हैं, आपकी जो खेती में जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हुए हैं उनको भी निकालने के लिए यूज होते हैं। टेक्सटाइल पिगमेंट्स, टूथपेस्ट, दैट विच दैट इज क्लोज अप वो जो आते हैं उसमें देखो ऐसा कलरफुल और वो सब बहुत अलग अलग कलर के आजकल मिलते हैं तो उसमें भी वो यूज होते हैं। हाई क्वालिटी पेपर में भी ये ज़ैंथिन गम यूज होते हैं। तो दिस इज समथिंग which is very important, you all should know before having a cup of tea.
स्क्रीन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अभी बहुत हो गई खाने पीने की बात, अब स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स, मतलब कुछ दवा के बारे में बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स मैंने क्या बोला था, एक माइक्रोबियल एंजाइम है और उसके बाद था एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का क्या रोल था उसके थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, और नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है फॉर एग्जाम्पल, ये वाली स्लाइड देख के आपको कुछ याद आया, कुछ दिमाग में याद आया? यस, मुझे तो बहुत याद आया। ये कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोई उनके इनके काम को कैसे डिस्क्राइब करोगे? एंटीबायोटिक्स, ओके, व्हाट इज इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक्स इन्होंने दिया था, और क्या किया था, क्या देखा था उन्होंने, क्या किया था? एक दिन वो अपने लैब में बैठे हुए थे और उन्होंने वो कुछ बैक्टीरिया को भी स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो जब वो बैक्टीरिया को स्टडी, मैं आप मुझे पता है आपको पता है ये सारी चीजें, बट थोड़ा सा रिविजन लेते हैं। तो फिर ये जो एंटीबायोटिक्स है उन्होंने क्या किया, वो प्लेट पे ग्रो कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। वो प्लेट ऐसी दिखी होगी, जब स्टार्टिंग में माइक्रोब्स को इन्वाइट करना है तो खाना तो देना पड़ेगा, तो प्लेट कुछ ऐसी दिख रही होगी शुरुआत में, ठीक है। अब जब ये प्लेट ऐसी दिख रही थी, तो कुछ दिनों के बाद उसमें बैक्टीरिया आए, कि माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सॉइल वाटर हर जगह पे प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या, ये प्लेट पर उन्होंने वो बैक्टीरिया को ग्रो किया। कुछ दिनों बाद वो देखते हैं कि उनकी प्लेट कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब देखो उनकी बैक्टीरिया थे उनकी प्लेट में, बट उन्होंने देखा एक जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर है, और उसके अगल बगल जहां पे ये ग्रो हुआ है उसके अगल बगल कोई भी कॉलोनी, कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ। तो इन्होंने देखा ये क्या है, आगे चलकर उन्होंने इसको क्या बताया, पेनिसिलिन। तो यहाँ पे अब जो राउंड कलर का वो जो मैं बता रही थी, माइक्रोब्स एंजाइम एंड एंटीबायोटिक्स, थोड़ा इसको अब लिंक करो। ये एंजाइम है, सॉरी ये माइक्रोब्स है, ये ग्रो हो रहा था, ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था, दूसरा बैक्टीरिया आता है, दूसरा माइक्रोब आता है, दूसरा फंगस आता है और इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। क्यों रोक पाता है? क्योंकि ये इसके पास क्या है, एक्टिविटी एंटीबायोटिक। ये अपने आप को ग्रोथ करना चाहा, बट इसने क्या किया, इसकी ग्रोथ को रोक दिया। तो एक की तो डेथ हुई, एक का सर्वाइवल हुआ है। तो ये जो सर्वाइवल हुआ, इट इज नथिंग बट यही तो आगे चल के एंटीबायोटिक्स बना। सो लेट्स कम टू दी पेनिसिलिन। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स, दैट इज पेनिसिलिन। अभी पेनिसिलिन के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, इफ यू विल गो इन हायर क्लास एंड टेकिंग दिस सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है, ये देख रहे हो बच्चों, ये प्लेट है ना, इट इज फुल ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, और ये क्या बोलते हैं पता है, एंटीबायोटिक डिस्क। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स से लोडेड है ये डिस्क। ये डिस्क को जब आप रखो, तो इसके पास एंटीबायोटिक कैपेसिटी है, तो देखोगे कि उसके अगल बगल जितने बैक्टीरिया थे जो ग्रो हो रहे थे वो साफ हो गए। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको हायर क्लास में मिलेगा, बट मैंने आपको ये स्लाइड में क्या था, ये स्लाइड तो समझी ना, प्लेन है, न्यूट्रिएंट है, मतलब खाना बिछा हुआ आपके, ग्रो कर लिया, इसने ग्रो कर लिया, या ऐसा देखो। और मैंने क्या किया, मैंने एंटीबायोटिक्स रखे थे, ये डिस्क है विच आर लोडेड विद द एंटीबायोटिक, उससे क्या हो गया, उसकी ग्रोथ रुक गई और वहां की अगल बगल की कॉलोनी साफ हो गई। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ एंटीबायोटिक। नाउ पेनिसिलिन पहले देख लें, पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, सॉरी penicillin is a group of antibiotics obtained from a fungus penicillium and it is used for the controlling of infections caused by the bacteria like staphylococci, clostridia and streptococci. These are the bacteria which are going to affect, usko use karne, usko dur karne ke liye penicillin use karte hain. Penicillin is the first antibiotic. So now can you all define what is antibiotics? Antibiotics are the carbon compounds that are obtained from some bacteria or fungi and they are capable of destroying or preventing the growth of
हार्मफुल बैक्टीरिया, मतलब एक की ग्रोथ को रोकने के लिए मैंने दूसरे को यूज किया, एंड दिस प्रोडक्ट्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स. मेनी डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हैव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू द एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई. एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, बैक्टीट्रेसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वैनकोमाइसिन आर यूजफुल अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. रिम्फामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. तो ये जो टेट्रासाइक्लिन और ये सब मैंने जो आपको बोला ना बार बार ना, ये जो आप स्लाइड आपने फिलहाल अभी देखी, फॉर एग्जाम्पल ये वाली आपकी, ये तो आपने इसमें कोड देखेगी, फिर जस्ट इसको ना जो कोड है, दिस आर लाइक टेट्रासाइक्लिन. तो ये एक्सपेरिमेंट में एकदम सिंपल करती हूँ. अगर मैंने बोला कि ये एंटीबायोटिक्स, ये और ये एंटीबायोटिक दिस इज अगेंस्ट फॉर दिस स्ट्रेप्टोकोकाई का, स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट काम करता है, तो मैं क्या करूंगी, ये न्यूट्रिएंट में क्या बैक्टीरियल ग्रोथ करवाऊंगी स्ट्रेप्टोकोकाई का, और उसके बाद वो एंटीबायोटिक से डिस्ट्रक दूंगी. वो एंटीबायोटिक डिस्ट्रकने के बाद तुरंत वो कॉलोनी साफ हो जाएगी. दिस इज एक्चुअली द डेमो एक्सपेरिमेंट फॉर एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए. नाउ दिस इज डन फॉर द एंटीबायोटिक्स. आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स को यूज करते टाइम क्या प्रिकॉशन है. बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी भी पता भी है. पहली बार सबसे बड़ा, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डोंट गो एंड आस्क फॉर एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, जस्ट बिकॉज मेरा फ्रेंड को अच्छा हो रहा है, उसे एंटीबायोटिक्स का असर हो रहा है, तो आई शुड ऑल्सो टेक, डोंट डू दैट. कमिंग टू द थर्ड प्रिकॉशन, अगर डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 3 डे का कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, तो तुम्हें 3 डे का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, 2 दिन में नहीं रुकना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करो. क्योंकि समटाइम्स ये एंटीबायोटिक्स, सॉरी ये बैक्टीरिया फिर से आपकी ग्रोथ इनएक्टिव स्टेज में हो जाते हैं जब तक असर रहता है, तो पूरी तरीके से ठीक होने के लिए करो. एंड यस, एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर के पे कभी मत जाना. खुद को सेल्फ प्रिस्क्राइब मत कर लो कि हाँ कि ओके 2 साल पहले जिससे दवा से ठीक हुआ था आज उसको फिर से खा लूंगा, बिल्कुल नहीं. तो दिस आर द सम प्रिकॉशंस रिलेटेड टू द एंटीबायोटिक्स. सो मोर एवर वी आर स्टार्टेड विद द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी जिसमें हमने डेयरी प्रोडक्ट्स कंप्लीट किए, प्रोबायोटिक्स देख लिया, विनेगर प्रोडक्शन, माइक्रोबियल एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड और कुछ सब्सटेंस देखे जो यूज हो रहे हैं. फिर हमने माइक्रोबियल एंजाइम के भी कुछ एग्जांपल्स देखे, बहुत इंपॉर्टेंट हमने एंटीबायोटिक्स को देखा. नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ माइक्रोब्स जो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज हो रहे, दैट इज पॉल्यूशन कंट्रोल और बायोफ्यूल करके कैसे एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. सो मैं बोल रही हूँ इस चैप्टर को जो मैंने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, पॉल्यूशन और बायोफ्यूल को मैंने एक साइड रखा था और सारे मुझे ये प्रोडक्ट्स वाले एप्लीकेशन हम वो एक साइड रखे थे, वो अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. नाउ व्हाट आई ऑल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अब सब चीजों को रिवाइज कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब थोड़ा हम डिफरेंट बात करेंगे, तो इन सब चीजों को पहले क्लियर करो, नोट्स बनाओ एंड व्हाटएवर द डाउट्स यू हैव प्लीज फील फ्री टू आस्क. थैंक यू.